हेलो फ्रेंड्स, रसोई रेस्टोरेंट आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बादाम का पकोड़ा, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनती है, खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं जिस विधि से, आप लोग उसी तरह बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो चलिए हम लोग बादाम का पकौड़ा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए यहाँ पे कटोरी आप लोग का दिख रहा होगा, कटोरी भर के मैंने, कटोरी से थोड़ा सा कम है इतना मैंने बादाम लिया है जितना आप लोग को वीडियो में दिख रहा है। इसको हम रखेंगे एक बर्तन में बादाम को। अब भुना हुआ बादाम हमें नहीं लेना है, हमें कच्चा ही बादाम लेना है। देखिए कच्चा बादाम है तो हमें कच्चा बादाम लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम बेसन रखेंगे। बेसन तो पहले इतना बेसन रख लेते हैं, उसके बाद अगर ज़्यादा पड़ेगा देखेंगे मिला के पानी रख के, तो हमें उस क्वांटिटी के हिसाब से हम बेसन रखेंगे। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, हमें बस बहुत ही ईजी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो बेसन पहले रख दिए हैं, अब हमें ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने बेसन, तो फ्रेंड्स यह बहुत अजूबा चीज़ नहीं है। आप जैसे नॉर्मल पकोड़ा घर में बनाते हैं आलू का, तो प्याज का, मिक्स पकोड़ा वेजिटेबल का, उसी तरह हमको बनाना है। आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम तीखा या ज़्यादा तीखा, जो भी मसाले आपके पसंद हो इसमें आप रख सकते हैं। बहुत ईजी बनती है, नॉर्मल पकोड़ा के जैसा ही बनता है। देखिए तो हमने बेसन रख दिया है, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक देंगे, स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम रखेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ज़्यादा मसाला ना रखें क्योंकि हम उसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा जीरा पाउडर दिए हैं और थोड़ा सा चाट मसाला, आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने चाट मसाला का यहाँ यूज किया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा ना डालें हल्दी, चुटकी भर हल्दी पाउडर, चुटकी भर। और थोड़ा अब लाल मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा खाते हो, लेकिन ज़्यादा भी लाल मिर्च ना डालें, लाल लाल मिर्च डालें जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए मैंने लाल मिर्च इतना लिया, आधा टीस्पून। उसके बाद देखिए थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अब इन सभी को पानी दे के हम मिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने चिकन मसाला भी डाला है इसमें, हमको बहुत अच्छा लगता है टेस्ट चिकन मसाला, इसलिए मैंने इसमें चिकन मसाला का भी यूज किया। आप लोग को मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा चिकन मसाला, जो हम लोग चिकन में डालते हैं, तो उसको भी मैंने यूज किया। थोड़ा सा इसको भी डाल देते हैं। चलिए इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी दे के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देकर, ज़्यादा पानी एक बार ना दें नहीं तो पतला हो जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी देना है, मिक्स करना है। देखते हैं इसका, और बेसन डालना पड़ेगा तो और बेसन डालेंगे, लेकिन पहले मिक्स करके हम अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद ही हम बेसन का यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कम डालें ताकि फिर बाद में आप डाल सको। ज़्यादा डालोगे तो फिर बादाम को मिक्स करना पड़ेगा, वही होगा तो आपका बादाम ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमको ज़्यादा पतला भी दिख रहा है, इसमें कोटेड भी थोड़ा होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा हम बेसन का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करते हैं, हमें पानी का ज़रूरत नहीं पड़ा है, इसे मिलाते रहेंगे अच्छे से। और ये बहुत ही ईजी बनता है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भी बहुत अच्छा बनेगा। दिखाएंगे आप लोग को वीडियो में क्रिस्पी कैसा मेरा बनेगा सो। तो इसे मिक्स करेंगे हम अच्छे से। और देखिए हमें इस तरह रखना है। अब मैं देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई को चढ़ा दिया है, मैंने लोहा कढ़ाई का यूज़ किया है हमें तलने के लिए, और तेल मेरा गरम हो रहा है, तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए भूल गए थे खाने का सोडा देने के लिए, तो इसे भी डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे और क्रिस्पी बनता है। तो हमें खाने वाला सोडा चुटकी भर ज़रूर डालें। देखिए हम चुटकी भर यहाँ पर डाल रहे हैं, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना तेल गरम होना चाहिए, ना ज़्यादा गरम रखें ना ज़्यादा ठंडा, यानी मीडियम में हमें तेल गरम रखना है, नहीं तो बादाम जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, इन बातों, छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म रहेगा तो फिर वो बादाम अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से लाल हो जाएगा।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, और ज़्यादा तेल ठंडा भी ना रहे तो मीडियम में रखें। और देखिए हमें डालना है किस तरह बादाम को। फाइनली मेरा तेल गरम हो गया है, अब बादाम को हम डालेंगे एक एक करके छीट करके। तो हमें एक साथ बादाम का इस तरह नहीं डालना, हमें छीट करके डालना है, ऐसे करके एक एक करके डालें बादाम को। दो दो भी डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ इस तरह करके ना डालें, और इसी तरह डालते जाएं सभी बादामों को, तभी अलग अलग दिखेगा और अच्छा दिखेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो हमें इस तरह करके डालना है इस तरह, और धीरे धीरे डालें क्योंकि तेल है तो तेल पड़ सकता है हाथ में, तो हमें किनारे से धीरे धीरे डालते जाना है इसी तरह करके, हाथ को लगाते हुए हिलाते हुए ऐसे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का बादाम का पकौड़ा कैसा बना। तो आप और वीडियो चाहते हैं पकौड़ा का तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, हम आप लोग के लिए ज़रूर मेहनत करेंगे और ज़रूर बनाएंगे। आप लोग ऐसा ज़रूर बनाए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, पूरा देखिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सभी जितना भी बादाम थे आधा मैंने डाल दिया, आधा बचा हुआ है, जितना मेरा कढ़ाई में लिया है उतना ही मैंने डाला है। अब देखिए एक साइड पक रहा है, मैंने मीडियम फ्लेम में इसे मीडियम हाई फ्लेम में पका रहे हैं, उससे भी कम तो लो फ्लेम में ही पकाएं क्योंकि अंदर से पकना है, थोड़ा टाइम लगेगा, हमें जल्दीबाजी नहीं करना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, खाने में कच्चा रह जाएगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए एक साइड पक रहा है और दूसरे इसे दूसरे साइड आप लोग को पलट के दिखाते हैं, चलिए वीडियो में दिखाते हैं आप लोग को। इसे हम पलटते हैं, देखिए धीरे से पलटेंगे, ऐसे चलाते हुए अच्छे से हम फ्राई करेंगे पकौड़ा को, अच्छे से हमें फ्राई करना है और सभी तरफ पकना चाहिए। तो देखिए अच्छे से इसे चलाते हुए हम फ्राई करेंगे, इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने फ्लेम को लो से थोड़ा ज़्यादा कर दिया है और इसे चलाते हुए 2-3 मिनट तक और भुनेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा बादाम रेडी हो गया, बादाम पकौड़ा। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अच्छे से इसे भुना है लो मीडियम फ्लेम करके, कभी कभी कम मैंने कर दिया था बीच बीच में, चलाते हुए 5 से 7 मिनट इसे लग ही जाता है। तो अब इसे पकाने में कोई गड़बड़ी ना करें और अंदर से कच्चा ना रहने दें। देखिए कितना क्रिस्पी और करारा बना, आप लोग को वीडियो में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम सभी इसे जितना भी पकौड़ा बादाम का डाला था सभी बादामों को हम अच्छे से निकाल लेते हैं कढ़ाई से, तेल को ये करते हुए तेल को बाहर निकालते हुए बादाम को निकालते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि कितना क्रिस्पी बना हुआ है मेरा पकौड़ा। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा पकौड़ा बादाम का रेडी हो गया है, और देखिए कितना इसका कलर कितना अच्छा चेंज हुआ है। इसी तरह हमें पकाना है, इसी तरह हमें तल के बाहर निकालना है, कलर चेंज होने देना है। देखिए ब्राउन कलर तक हमें वेट करना है, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक, और देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है देखिए। तो हमें इसी तरह इसको पकाना है, इसी तरह क्रिस्पी और कुरकुरा बनाना है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो देखिए